नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार ने ऐसा धाकड़ फैसला ले लिया जो आज तक कोई राज्य नहीं ले सका। सोमवार को हरियाणा की खट्टर सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 75% आरक्षण दिए जाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। बीजेपी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया कि हरियाणा में जो भी प्राइवेट कंपनियां नौकरी निकालेंगी उनमें 75% नौकरी स्थानीय यानी हरियाणा के युवाओं को दी जाएंगी। इस ऐतिहासिक फैसले से जुड़े अध्यादेश के प्रारूप को राज्य कैबिनेट ने 6 जुलाई को मंजूरी दे दी। प्रदेश के युवाओं से वादा करने वाले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ही कैबिनेट के सामने ये प्रस्ताव रखा था जिसे कैबिनेट ने पास कर दिया। हरियाणा सरकार के इस फैसले पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अखबार की कटिंग ट्वीट करते हुए लिखा, आज युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारी सरकार ने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणवी युवाओं की भर्ती को अनिवार्य करने के अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट में मंजूरी दे दी। हरियाणा चुनाव के दौरान दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के युवाओं से अपने घोषणा पत्र में दावा किया था कि वो प्राइवेट नौकरियों में उन्हें 75% आरक्षण दिलाएंगे। बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने ट्वीट किया, आज युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री एमएल खट्टर जी की युवाओं के प्रति सार्थक सोच का नतीजा है कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणवी युवाओं की भर्ती को अनिवार्य करने के अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। कैबिनेट की अगली बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण देने का प्रावधान लागू हो जाएगा। सरकार इसके लिए हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अध्यादेश 2020 लाएगी। इस प्रस्ताव को सीएम खट्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंजूरी दे दी गई। इस अध्यादेश के प्रारूप के मुताबिक हरियाणा में स्थित कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्टों, लिमिटेड लायबिलिटेड पार्टनरशिप फर्मों में 50,000 रुपए प्रति महीने वाली नौकरियों में 75% स्थानीय युवाओं को रखा जाएगा। कंपनियों के पास एक जिले से सिर्फ 10% स्थानीय उम्मीदवारों की भर्ती का विकल्प रहेगा।